हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद चौरसिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे BSAP 8 बेगूसराय में हमारे माननीय समादेष्टा महोदय मनोज कुमार तिवारी जी IPS के द्वारा वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जितने भी नवनियुक्त पहले से भी जो भी हैं सिपाही गण सभी शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, आप सभी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं हमारे माननीय समादेष्टा महोदय IPS मनोज कुमार तिवारी जी जो अपने हाथों से पेड़ रोपने का कार्य कर रहे हैं, जो प्रकृति से बहुत ही लगाव है। इस कार्य को देखकर आप सबों के समझ में आ ही गए होंगे कि एक IPS अधिकारी कितना पेड़ पौधों से लगाव है और प्रकृति के बचाव के लिए इस सराहनीय कार्य को कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय है और हर एक आदमी तक संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं हमारे माननीय समादेष्टा महोदय IPS मनोज कुमार तिवारी जी, जो इस पेड़ को लगाकर सभी को संदेश दे रहे हैं कि हर एक आदमी कम से कम एक पेड़ लगाने का कार्य करे। तो इस सराहनीय कार्य को सफल बनाने के लिए हमारे बरौनी कानपुर पाइपलाइन के माननीय CGM महोदय KK चौधरी जी ने अपना योगदान सहयोगी के रूप में दिए हैं। इस कार्य को सफलतापूर्वक सहयोग करने के लिए पूरे BSAP 8 के पुलिस परिवार की तरफ से माननीय CGM महोदय KK चौधरी जी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आगे हमारे माननीय समादेष्टा महोदय जी का कहना है कि पेड़ को काटने की न करना कभी भूल, पेड़ को काटने की न करना कभी भूल, क्योंकि यह कार्य नहीं है प्रकृति के अनुकूल। वृक्षारोपण का महत्व इतना स्पष्ट है, तब भी कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो वास्तव में इस गतिविधि में शामिल होने का प्रण लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को पेड़ लगाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, ताकि वातावरण अनुकूलित रहे और हमारा पर्यावरण कभी दूषित न हो और हमें पर्याप्त ऑक्सीजन हर वक्त हर समय मिलता। ये नवनियुक्त सिपाही जो हैं, सभी ये सोचे कि हमें भी पेड़ लगाना है और पेड़ लगाने का कार्य करने में आगे बढ़े, और सबको दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही हर एक व्यक्ति पेड़ लगाने का हर संभव प्रयास करते रहे और हर एक आदमी पेड़ जरूर लगाए। पेड़ लगाने से पहले कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हम सबको कि फल देगा या नहीं देगा, ये सोचकर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। फल दे या न दे, लेकिन पेड़ छांव और ऑक्सीजन हमें ज़रूर देगी, इस सोचकर पेड़ लगाए और हमारे वातावरण को संतुलित रखने में बहुत बड़ा योगदान हरे भरे पेड़ पौधों का ही है। इसीलिए हर आदमी पेड़ लगाने का कोशिश हर संभव करते रहें और हर वक्त पेड़ लगाए। तो दोस्तों, पेड़ लगाना मजबूरी नहीं, जरूरी है। तो पेड़ लगाने का लो संकल्प, प्रकृति बचाने का यही है विकल्प। दोस्तों, यह संदेश सभी तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, यह संदेश सभी तक पहुंचाना है। स्वच्छ वायु के लिए हमें वृक्ष लगाना है। वृक्षारोपण है प्रकृति का मान, वृक्षारोपण है प्रकृति का मान। आओ पेड़ लगाकर करो इसका सम्मान। पर्यावरण स्वतः स्वच्छ होगा, पर्यावरण स्वतः स्वच्छ होगा जब हर घर के सामने एक वृक्ष होगा। तो चलो वृक्ष लगाए मिलकर यार, तो चलो वृक्ष लगाए मिलकर यार, एक दो नहीं 10,000। दोस्तों, हाथ जोड़ के सबसे विनती करें, दोस्तों हाथ जोड़ के सबसे विनती करें, वृक्ष लगाते जाएं ना गिनती करें, वृक्ष लगाते जाएं ना गिनती। वृक्ष धारा का आभूषण है, इनसे ही तो जीवन है। जो भी वृक्ष लगाते नहीं हैं और काटते हैं, बहुत सारे आदमी बेवजह पेड़ को काट रहे हैं, तो वह पेड़ नहीं काट रहे हैं, तो वह पेड़ नहीं काट रहे हैं, वह अपने हाथों से अपनी मौत बांट रहा है, वह अपनी हाथों से अपनी मौत बांट रहा है।
इंसान वृक्ष नहीं अपनी जिंदगी काट रहा है। तो इस समय वृक्षारोपण समारोह में बरौनी कानपुर पाइपलाइन के माननीय सीजीएम महोदय श्री के चौधरी जी, कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए और उसके बचाव के लिए जो भी इस वृक्षारोपण में शरीक हुए हैं उसको कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क अपने हाथों से दे रहे हैं। तो कोरोना से भी हमें बचना है और इस पर्यावरण पर बहुत जोर देनी है और पेड़ लगाने का हर संभव प्रयास करते रहना हम लोगों को। यदि हमें पर्यावरण को बचाना है तो इसके लिए पहले पेड़ों को बचाना है। पेड़ बिना मानवता के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। वृक्ष मानव को दिए गए सबसे बहुमूल्य उपहारों में से एक है। तो दोस्तों, ये संदेश आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह भी पेड़ लगाने का हर संभव प्रयास करें और हमारे प्रकृति को बचाएं। धन्यवाद दोस्तों।